आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। अस्पताल में डॉक्टर नहीं, महिलाएं पहुंची विधायक ऑफिस। रोगी कल्याण समिति के सदस्य ने दिया आश्वासन, जल्द होगी डॉक्टरों की नियुक्ति। सनावत, नगर के सिविल अस्पताल में डॉक्टर्स की व्याप्त कमी को लेकर अखबारों में सुर्खी आने के बाद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने इस और कोई ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण 3 दिन बाद भी सिविल अस्पताल में हालात जस के तस है। शुक्रवार को बीपी, शुगर और टीवी की जांच और अन्य समस्या के उपचार के लिए पहुंची महिलाओं ने वहां पर मौजूद चिकित्सक के नहीं होने पर अपनी नाराजगी व्यक्त की और अस्पताल के सामने विधायक ऑफिस पहुंची, जहां रोगी कल्याण समिति के सदस्यों ने अस्पताल में जाकर महिलाओं से चर्चा की, साथ ही जल्द अस्पताल में चिकित्सकों की नियुक्ति के संबंध में आश्वासन दिया। स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट में सिविल अस्पताल में चिकित्सकों के पर्याप्त पद पूर्ति होना दर्शाता है, जिसमें सिविल अस्पताल में पर्याप्त चिकित्सकों को कमी साल दर साल कम होती है, लेकिन वर्तमान में एक चिकित्सक भी नहीं है जो जनरल ओपीडी देखकर आने वाले मरीजों का उपचार करे। अस्पताल में स्त्री रोग विशेषज्ञ, दंत चिकित्सा और आंखों के स्पेशलिस्ट उपचार कर रहे हैं, जबकि सामान्य बीमारी सहित बीपी, शुगर सहित टीवी की जांच और अन्य बीमारी के मरीजों को देखने वाले चिकित्सक नहीं है। शुक्रवार को भी हालत वही रहे और अस्पताल में एक भी डॉक्टर मौजूद नहीं था। अनेक लोगों ने सिविल अस्पताल की पर्ची काउंटर पर ही मौजूद कर्मचारियों के सामने नाराजगी व्यक्त करते हुए डॉक्टर नहीं होने पर पर्ची नहीं काटने का हवाला दिया। अलग अलग ग्रामों से आई महिलाओं ने वहां पर अपनी नाराजगी व्यक्त करने के बाद अस्पताल के सामने स्थित विधायक सचिन बिरला ऑफिस पहुंची, जहां डॉक्टरों की कमी को लेकर ध्यान आकर्षण करवाया। इसकी जानकारी विधायक बिरला तक पहुंची। सूचना के बाद रोगी कल्याण समिति सदस्य संजय राठौर और राजेश जैन ने अस्पताल पहुंचकर महिलाओं से चर्चा की, साथ ही विधायक के प्रयास से जल्द ही अस्पताल में चिकित्सकों की नियुक्ति का आश्वासन दिया, जिसके बाद महिलाएं मानी और वापस रवाना हुई। सनावत से विवेक विद्यार्थी की रिपोर्ट।